हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर पटेल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट्स हेयर्स में मैसी बन बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैसी बन बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने आई की जो फ्लिक्स है इनको साइड से निकाल दूंगी, सेक्शन इनका अलग कर दूंगी। देन उसके बाद सारे बालों को इकट्ठा करके मैं एक पोनीटेल बनाऊंगी और पोनीटेल को मैं एक लूज़ रबर बैंड से सेट करूंगी। आप चाहे तो टाइट भी कर सकते हैं पोनीटेल को। तो पहले तो मैं बालों को सेट करूंगी अपने कॉम से, देन उसके बाद मैं टाइप कर दूंगी एक रबर बैंड से। तो अब मैं पहले अब ये देखिए मैंने पहले अपने बालों को कॉम कर लिया अच्छी तरह से, उसके बाद रफली हाथों से भी किया है थोड़ा सा। एंड देन उसके बाद मैं अपना टाइप करूँगी हेयर्स को एक रबर बैंड की हेल्प से। तो ये मैंने रबर बैंड से इन्हें बालों को बांध दिया है। एंड देन ये मैंने पोनीटेल बना लिए। अब देखिए गाइस, वैसे पोनी भी बहुत अच्छी लग रही है, क्यूट है, हेयर्स की कटिंग भी दिख रही है आराम से। और देन बालों को फिर मैं ट्विस्ट करके रोल बना के इसे रफल के चारों साइड से इसे बांध दूंगी एक दूसरे रबर बैंड की हेल्प से। ये देखिए गाइज, मैंने रबर बैंड को लगा दिया है। देन आप चाहे तो यू पिन भी यूज़ कर सकते हैं और बॉब पिन भी, बट मैं टिकटॉक पिन का यूज़ करूँगी। मुझे क्योंकि मेरे हेयर्स की ज़्यादा लेंथ भी नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए मुझे बन। तो बन हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। एंड देन मैं इसे सिक्योर करूँगी टिकटॉक पिन से, पीछे के जो कि हेयर्स हैं जो निकल रहे हैं उनको सिक्योर कर दिया मैंने। एंड ये देखिए गाइज, कितना प्यारा बन बना है कुछ ही सेकंड्स में। देखिए आप, मैंने बन को बनाकर दिखा दिया, कुछ भी हार्ड नहीं है। ये आप चाहे तो कॉलेज में भी स्टाइल कर सकते हैं, आप कैजुअल में भी, ऑफिस में भी, और आप इसे हर जगह स्टाइल करके जा सकते हैं आराम से। कुछ भी नहीं इसमें, बहुत लाइट है। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है, ये इसका फाइनल लुक है। ये देख लीजिए गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा बन बनाने का स्टाइल कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, सी यू।